मुझे जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। विरोधी नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखो बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला ना? महोदय, वैसे ये अच्छी शुरुआत है दो प्रकार से कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है, और पिछले 22 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी एक सकारात्मक पहल हुई है, और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। आज यहां पे जो चीजें चल रही थी अनुपूरक बजट के बारे में, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई बार संसद में भी रहे हैं, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञानवर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे।